आप तो देखो। ड्रॉग बाबा निकल आया बाहर और यर्गन क्लॉप से इस वक्त गले मिल रहे हैं। ड्रॉग बाबा इज हियर। चेल्सी के मैनेजर ड्रॉग बाबा। ड्रॉग बाबा देखते हैं कैसे अप्रोच के साथ वो क्लॉप के सामने खेलते हैं। जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी नहीं दिख रहा। बहुत ही ज्यादातर क्या होता है कि टीम जब डिफेंड करती है उसका पूरा शेप आपको दिखता है। यहाँ पे तो रैंडम है भाई, एक यहाँ पे बंदा है, एक वहां पे बंदा है। अब कर्टिस जोन्स बिटवीन द लाइन पास दे रहा है, फर्मिनो को दे रहा है, ये नहीं देख रहा कि पीछे तीन बंदे उसके चढ़े हुए हैं और वो डेंजर ये जोन तो अच्छा हुआ फर्मिनो ने एंजो से वापस छीन लिया, में। वरना तो बहुत खतरनाक जगह थी वह। इट्स सो मीडियोकर मैन, इट्स द लेवल ऑफ मीडियोक्रिटी इन दिस गेम इज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, मैं बता नहीं सकता। व्हाट बिल्कुल द नहीं, हेल इज पेपी यू डूइंग? है वो 50% पोजीशन। भाई पोजीशन का क्या करना है हमको भाई, 100% पोजीशन हो गोल ना है उसका भी कोई फायदा नहीं होता। यार इनसाइसिवनेस चाहिए। हम बात ये कर रहे हैं कि अगर फाइनल थर्ड में आपकी इनसाइसिवनेस नहीं है, आप 80% पोजीशन रख लो। लिया वो भाई कोडी साला रोबो को अभी से ले। बिल्कुल हाँ, देखते हैं भाई, बट नथिंग श्योर्ड फ्रॉम बाय टीम हेलिंग द फुटबॉल रूल्स। बिकम पीसफुल। पॉलिटिक्स स्किल अब हमको है ना बाबा बन जाना पड़ेगा। ड्रॉग बाबा नहीं, वो बाबा वाला सन्यासी बन जाना पड़ेगा। क्योंकि यार सभी सभी चीज डिप्रेसिंग है यहाँ पर। भाई, जोएल मेटिव की पोजीशनिंग देखी है आपने वहां पे, जिस तरह से हाई लाइन मतलब वो पीछे दौड़ने किस तरह से पीछे भाग रहा था, देखो। वॉचिंग लिवरपूल इज डिप्रेशन। हाँ भाई अग्री कर रहा हूँ, बहुत खराब खेल रहे। वैसे फ्रैंक लैम्पार्ड इज इन द हाउस। हाउस तो नहीं क्या? हाउस चलो भाई। टचिस इन ऑपोजिशन बॉक्स चेल्सी के बाहर, लिवरपूल के जीरो। जीरो। दिस इज वॉट हैपन्स वेन यू डोंट प्ले सलाह, दिस इज हैपन्स वेन यू डोंट प्ले सलाह। सो दिस इज हैपन्स व्हेन यू प्ले कर्टिस जोन्स। मैंने उसे बहुत बोलिया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसके बारे चेल्सी में। आर गोइंग टू स्कोर। हाँ मुझे तो लगता है कि दोनों में से अगर कोई टीम स्कोर करेगी तो वो चेल्सी है। यहां पे अगर कोई पुराना लिवरपूल फैन है जो देख रहे हैं, मुझे ना कसम से कर्टिस जोन्स को मैं देखता हूँ ना, मुझे याद आती है जेस पेरिंग की, याद आ जाती है। चैंपियनशिप लेवल, प्योर चैंपियनशिप लेवल, बिल्कुल। इससे ज्यादा रोहन मैं भाई कुछ कह नहीं रहे बोल साइन सकता। जरार्ड राइट नाउ। आई थिंक अगर आपने चैरिटी मैच देखा होगा सेल्टिक के सामने जो चैरिटी मैच हुआ था, उसमें जरार्ड हाँ का परफॉर्मेंस अभी जो अपनी मिडफील्ड है उससे अच्छा था। और ये मैं हाँ कोई क्रिटिकल होके नहीं बोल रहा हूँ, लिटरली अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल। 43 ईयर ओल्ड कितने का है वो? 44 का है, 43 का है। ही इज 43 बेटर का देन ऑल ऑफ आवर मिडफील्डर्स राइट नाउ, नो मतलब अर्जेंसी, जो इंजर्ड ओनली नहीं है। फर्मिनो इज प्लेइंग वेल। हाँ, वहां पे मैं अग्री करूंगा। हाँ कितना प्रेशर एलिसन पे भाई, कोई कोई रेडी ही नहीं है बॉल लेने को, बंदा करे भी क्या है वो। यार, मैं मेरे हिसाब से तो सिमिकस को या तो आउटसाइड क्लियर कर देना चाहिए था, नो फर्स्ट डिफेंडिंग करे, जब आपको पता है कि एलिसन किसी भी टाइम इस तरह का एरर कर सकता है। ही हैज डन इट इन द पास्ट, कि जब बॉल उसके फीट पे आती है वो बहुत टाइम लेता है, एंड विनिशियस जूनियर के अगेंस्ट भी ऐसे हुआ था। तो आई थिंक यू शुड डू सम नो नॉनसेंस डिफेंडिंग व्हेन यू नो योर टीम इज इन सच प्रेशर, लेकिन चलो। लकी थे फिर से, मगर यार बहुत ज्यादा प्रेशर। आप एलिसन देखो, वैसे भी गेम में अकेला बंदा ही बचा के आपको रख रहा है, और आप हाँ अभी उसको कहो कि भाई पास भी तू कर, मिडफील्ड में भी तू खेल, गोल भी तू कर, मैं सब वही कह रहा कुछ। हूँ, पास ना करो उसको, इस सिचुएशन में उसको पास नहीं करना चाहिए। हाँ इट वाज बैड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम सिमेकस एक्चुअली, ये तो बच गए हम। रोहन भाई कह रहे टुडेज फॉर्मेशन इज 101। एलिसन एंड फर्मिनो। ये मैं क्या देख रहा हूँ भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ। उठा ले मुझे। एक्चुअली नूनेस भी ट्राई कर रहा है, मगर उस साइड पे कोई है नहीं कि जो तुरंत उसके पास से बॉल ले सके या फिर पास रिसीव कर सके। बेन चिलवेल जी हैजर्ड बन गया भाई, वो हैजर्ड बन चुका है।
क्रिएटिविटी देन कर्टिस जोन्स एंड जो गोमेज एट राइट फुल बैक पोजिशन, एंड सेम गोज फॉर दर्शन भाई. ओ भाई क्या कर रहे हो यार, फाइनल थर्ड में एक पास ठीक कर लो प्लीज, मैं तरस गया हूँ फाइनल थर्ड में एक पास अच्छा देखने के लिए. यार एक्चुअली अभी अभी तक इबू अच्छा खेला है। अगर इबू ना हाँ होता तो बहुत सारे क्रॉस, अरे भाई मैं जिंक्स ना कर दूं, अभी नहीं बोलना मुझे। रुको जरा सफर करो. फेलिक्स हजार ने किया रहा है पिच पे, कसम से कोई कोई और फॉरवर्ड होता तो 2-3 गोल मार दिया होता। एग्जैक्टली, सही बोल रहे हो यार. यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ इवन यहाँ ब्रोहा भी होता ना, ब्रोहा अर्मांडो हाँ ब्रोहा, वो भी गोल, साउथहैम्पटन में जो था वो वो इनका लोन। स्ट्राइकर है ना जो इंजर हुआ हाँ है, वो भी गोल मार देता, वो अच्छा स्ट्राइकर, फिनिशर अच्छा है वो. फोफाना है बहुत ही लेकिन खराब पास यहाँ पे गोमस के द्वारा, अरे रे भगवान बचा, बच बच गए, एलिसन ने बचा लिया फिर से। मुझे लिटरली गोमेज इस वक्त एक नथानियल क्लाइन वाली वाइब्स दे रहा है लिटरली. आई थिंक और हमें एक प्रॉपर रीसेट चाहिए, जैसे जितने भी डेडवुड है उसे बेच दो अब। जो गोमस ने शॉट लिया भाई और ऑन द टारगेट कैपा ने सेव किया, जो गोमस अरे जिसने बाप अभी तक लिवरपूल के लिए या फिर पूरे करियर में एक आगा नहीं किया, उसने अपने है. हाँ अंडर 18 से लेके अभी तक एक भी गोल जो जो गोमस ने नहीं किया, मगर अच्छा नहीं शॉट किया. था। हाँ गुड शॉट, कॉर्नर भी मिल गया. बट यार देखो ये जरा मजाक मजाक चेक करो, नथानियल क्लाइन के बाद हम ट्रेंट को लेके आए एकेडमी से, उसके बाद हमने कोई प्रॉपर राइट बैक ही नहीं साइन किया जो उसको कंपटीशन दे सके, और जिसको साइन किया वो इंजर हो गया. वो भी सीजन लॉन्ग इंजरी होगी उसको, कैल्विन रैम्सी. बोल नहीं शेव, अरे व्हाट अ सेव भाई, अभी मुझे मुझे नजर लगा नहीं आया कि अभी आया कोहली क्या. होना चाहिए था, डिफ्लेक्शन था लास्ट शायद। मिनट, हाँ लास्ट मिनट चल रहा है मेरे पास कॉर्नर, ये डिफ्लेक्ट हुआ है भाई साहब, फेबिनियो गोल मारने लगा था. ब्लैकबर्ड सबको बेचो, सब बेचो, तीनों बेच दो, सिमिकस भी बेच दो, ओएलएक्स में बेच दे. बिल्कुल। यार मैच स्टार्ट हो गया है, सेकंड हाफ हाँ स्टार्ट हो गया है गाइस, कोई चेंज नहीं है, सेम ही 11 के साथ। कम ऑन यार चांस, अच्छा क्रॉस डालो यार, ये क्या ही क्रॉस है भाई, किसने क्रॉस किया ये? कौन था रसोड़े में, कौन था, आई आ, आ, मीन आ, आप क्लाइंट देखो में कौन आप देखो, था, कौन है भाई ये. ओके इज दैट सिमिकस, नहीं, कर्टिस जोन्स. जोटा फ्री था, जोटा वहां पे भांगड़ा कर रहा था, ऐसे ऐसे चिल्ला रहा था। आप रिप्ले देखोगे तो यार इतना गुस्सा आएगा कोई आपको, कोई था ही नहीं, जोटा को दिक्कत कोई ही मार्क नहीं कर रहा था। अगर एक्यूरेट होता तो सिंपल टैप इन हेडर हो जाता उसका। नहीं, मैं उस आदमी को मैं गिरबान से पकड़ना चाहता हूं और मैं उससे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि तूने कर्टिस जोन्स को साइन क्यों किया, जो भी वो बंदा है, जो भी वो है, जैसे अभी थोड़ी देर जो पहले गैलेक्सी ने नहीं कहा था कि इज द ओनली मैनेजर जिसने मैनेज भी की है और लाइव स्ट्रीम भी की है एट एट द सेम टाइम. द सेम टाइम, बिल्कुल। ओ भाई ये अगर हम जीत गए तो 6th पे आ सकते हैं, दिस विल बी अ मिरेकल, मिरेकल हो भाई. हार गए तो हम जा सकते 9th पे। हाँ 9th पे, यार फेबिनियो किस तरह बुली हो रहा है यार मिडफील्ड में, किस तरह बुली हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या हो गया इसको. एक्चुअली मिलनर भी यहाँ पे
रोल कर सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ी सी आपको फिजिकलिटी चाहिए। भले ही मिलनर ये इन लोगों डोमिन से के तो पास अच्छा ही बॉल, ऑफर करेगा भाई मेरे हिसाब से। डार्विन नुनेस। ओ अच्छा, मुझे लगा शायद उसने गलत वो कर दिया। फाबिनो ने अगेन अभी बॉल तो लूज कर दूसरे दी, चेल्सी ऑन काउंटर। व्हाट हैपेंड। कुछ नहीं कुछ नहीं, बच गए। बढ़िया, मैंने सांसें रोकी थी कि अभी दर्शन भाई का रिएक्शन आएगा। अरे भाई, अरे भाई भाई भाई, दिस इज लिटरली एल शेटिको, दिस इज लिटरली दैट। बिल्कुल अग्री। भाई अभी मुड्रिक आना है, अभी तो मुड्रिक आना है, अभी तो कुछ हुआ ही एक्चुअली नहीं है। दोनों टीम मेरे हिसाब से बैंग एवरेज है। अगर अगर चेल्सी की बात करूं तो उनका मिडफील्ड वर्क कर रहा है मगर उनका अटैक कुछ नहीं कर रहा। अपना अपना अटैक तो कुछ भी कुछ नहीं कर रहा मगर दोनों अपना तो एवरेज छोड़ टीम। दो, अपना तो राइट बैक कुछ नहीं कर रहा, सेंटर मिड तो पता नहीं किधर फारिग ही हो गया, और बाकियों की तो मेरी समझ नहीं आ रही। जोटा की भी, चलो जोटा थोड़ा ठीक है, मतलब बाकियों से तो बेहतर खेल रहा है, लेकिन स्टिल सलाह कैन गिव अ मच मोर ग्रेटर इम्पैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, हेंडो को आउट करो मिडफील्ड से, सब चेंज करो भाई, लाए किसे सबको। चलो भाई कर्टिस को निकाला, हेंडो को निकाला, तो भाई इतना ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही कर सकता है मिडफील्ड में चेंज। मैं तो कहता हूँ अभी बायर लेवरकूजन कॉल मिलाओ और उसको को कि भाई ज़ाबी अलोंसो को अभी थोड़ी देर होता नहीं है, लेकिन बैकअप साइन करो। और डार्विन, बैजेतिक बैजेतिक को थियागो कांटे, उन लोगों से हाँ सीखना मिलेगा तो वो भी अच्छा हो। हाँ ब्लैक बर्ड कह रहे हैं मैसी को साइन कर लो भाई। मजे ही ले रहे काश ये हैं। फीफा होती, काश ये फीफा होती यार। क्या बोले हम, क्या बोले हम। भाई अब सब्स्टिट्यूट कर ले भाई, 60 मिनट होने वाले हैं बस, आज तू वेट मैं ना बता कर। रहा हूँ ये 70-72 मिनट से पहले नहीं करेगा सब्स्टिट्यूट, ये नहीं करेगा, ये ये एसआरके इंग्लिश फैन है मीडियम हमारी तरह ही, 70 मिनट, में 70 मिनट 70 मिनट के बाद करूंगा। 70 मिनट है तुम्हारे पास यार। अगर मैं अभी क्लॉप होता ना, लिटरली अगर मैं क्लॉप होता, मैं कहता भाई ये कर्टिस जोन्स तेरी आखिरी गेम है, तूने अपने आप को प्रूव करना है तो करके दिखा दे, नहीं कर सकता तो दफा हो जा। दफा हो मैं जा, उसे यही बोलता, मेरी मैं आंखों के लिटरली सामने उसे यही कह बताना देता तुम हूँ। क्योंकि अब नहीं बर्दाश्त होता भाई। डार्विन, डार्विन, बर्ड ओ कह रहे गुड आइदर ड्रॉ और चेल्सी विन, सो वो ऑप्शन निकल गया लिवरपूल विन वाला। बिल्कुल शॉट। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बात पता है कि आपने यार, अब मैं टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन देखो कर्टिस जोन्स का वो टच, फिर वो हाँ स्लिप हो जाते हैं, दिस इज कॉमेडी। यार उससे अच्छा तो आप मिलनर को ला दो अभी कर्टिस जोन्स की जगह। अगर आपको फाबियो करवालियो को चांस ही नहीं देना तो भाई मिलनर को ला दो, तो थोड़ी सॉलिड तो हो अपनी मिडफील्ड। इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग टू सी हिम राइट नाउ, इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। एंड हेंडो डजन हेल्प हिम आल्सो, हेंडो हेंडो की कुछ पास इतनी ज्यादा है कि भाई लॉन्ग बॉल हैंडो स्टुअर्ट। तो भाई वो जो डार्विन वाला पास है, दैट शोज द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन जॉर्डन हेंडरसन व्हेन एवर ही इज इन अ की एरिया। रॉबर्टसन अभी मैं बच गए भाई, कोनाटे वेरी गुड डिफेंडिंग। हाँ, सॉरी सॉरी, मैं वही यार कह रहा था कि हम बिल्डअप प्ले तो हमारा इतना शिट है ना बिल्डअप प्ले, कि हमें नहीं पता होता कि हमने पास किसको करना है, कभी किसी को पास जा रहा है तो कभी किसी को पास जा रहा है। अब बिल्कुल ये बॉल फिर लूज कर दी, अब रॉबो ने भी बॉल लूज कर दी, तो क्या हो गया तुम्हारा। भाई, इससे अच्छा तो आर्थर को चांस दो यार। आर्थर
इससे बुरा क्या ही हो जाएगा, हार जाएंगे भाई उसे। एंडरसन भाई, नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो रहा, मेरे हाथ खड़े हो गए भाई, मैं नहीं देख एक्चुअली सकता, एक्चुअली मैं ये शायद गेम लोग भी नहीं देख चले सकता, गए, इतनी बुरी मैच है कि लोग भी चले गए। मैं ये गेम नहीं देख सकता, और मैं नहीं देख सकता भाई, ये टॉर्चर है भाई, ये टॉर्चर है। इट इज वेरी हार्ड टू बी ए स्ट्रीमर, आज आपको पता लग गया होगा, जब भी आप अगर यहाँ तक पहुंचते हैं बिल्कुल आपको समझ बिल्कुल। आई होगी कितना मुश्किल है स्ट्रीम और पे बैठ। स्पीकिंग ये अगर थोड़ा सा बेटर फिनिशिंग होती, ये 3-0 या 4-0 होता। कैन एनी वन ऑफ यू सिंग दिस मैच इज वेरी बोरिंग। शायन भाई गा सकते हैं यार, बहुत अच्छी आवाज है उनकी। भाई क्या मैं गाऊं यार, मेरा तो आवाज खत्म ही हो गई है ये इतनी शिट परफॉर्मेंस देख के। भाई आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि रात के 2:30 बजे है, इतनी खराब मैच फिर भी हम अभी भी है। प्लीज यार एक लाइव गाना कर, गुनगुना देते हैं, एक गाना फुल गुनगुना टाइम देते हैं हो गया आपके भाई, लिए, आपने फुल मेरे टाइम लिए। हो गया। दिल की तन्हाई को आवाज, क्या क्या होता है, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, तो वाह गा वाह लो वाह भाई। दिल की तन्हाई को, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। शिट था ये, शिट, ये शिट था आपका गाना इससे बेहतर था यार, बहुत अच्छा गाना। भाई, मुझे दर्द वाकई हुआ है जो मैंने ये फुटबॉल देखी है, बिल्कुल यार, बहुत वाकई खराब दर्द मैच हुआ भाई, है। बहुत खराब मैच। सो गाइस देखो अभी एनर्जी भी नहीं है हम दोनों की, और जिस तरह से हम टॉर्चर पे गए हैं, जो टॉर्चर लिवरपूल ने हमको किया ओ है, सो हम बंद ही करेंगे ये स्ट्रीम। आपको पता है कि कैसी रही मैच। सो पहले तो प्लीज अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो कि भाई ऐसे बंदे दोनों बैठ के देखते हैं। भले ही हमारे बहुत ज़्यादा व्यू नहीं आते, बहुत सारा फॉलोअर नहीं है, आप भी आ सकते हैं हमारे साथ। सो शयन भाई की और मेरी चैनल, दोनों की चैनल का नाम है, दोनों की चैनल की लिंक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। सो थैंक यू शयन भाई ज्वाइन करने के लिए और बहुत अच्छा गाना गाने के लिए।